सवाल यह है कि पंजाब का धुआं ही दिल्ली क्यों जाता है? जे राजस्थान अग लगती है वह धुआं नहीं जाता, हरियाणे अग लगती है वह धुआं नहीं जाता, तो पंजाब का ही धुआं दिल्ली क्यों पहुँच जाता? जिनी क मैनू समझ आ कि भाई धुआं भी हवा के रुख के हिसाब न चलता, तो की हवा दिल्ली कनी नूं चलती है? तो जेकर धुआं है तो धुआं दिल्ला दिल्ली सीधा किवें अपड़ता? की दिल्ली दे विच हुण कहिंदे जी ट्रक बंद ने दिल्ली च, हुण जी स्कूल तक बंद करने पै गए। सवाल है कि की दिल्ली दे अंदर अपने कूड़े का कोई प्रदूषण ही नहीं हैगा? कि दिल्ली दे अंदर अपनियां गड्डियां कारां वाहनां का कोई प्रदूषण ही नहीं हैगा? कि दिल्ली दे अंदर फैक्ट्रियां का गंदगी का कोई प्रदूषण ही नहीं हैगा? सो ये सारा सवाल जिहड़े नाल गाजियाबाद वर्गा खेत्र लगता, नाल नोएडा वर्गा खेत्र लगता, नाल दिल्ली के आले दुआले हरियाणे वाले बार्डर वाला खेत्र लगता, दिल्ली के अंदर जिहड़ियां फैक्ट्रियां चलदियां उहदा कदे धुआं नहीं पंजा। मैं पराली साड़न के हक विच नहीं हां, पराली नूं अग नहीं लगनी चाहिए, वह बदल सरकारां नूं देना चाहिए। 100 रुपया प्रति क्वांटल पिछे की मंग शुरू होकर 200 रुपया प्रति क्वांटल तक आ गई है। भगवंत मान कहते 2500 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देंगे, 1500 केंद्र दे 1000 असी पावे, उस नहीं आया। कहते मशीन आ गई जी संभाल हो जाएगी, फैक्ट्री आ गई जी संभाल हो जाएगी। सो जदों पंजाब आप की सरकार नहीं सी तद केजरीवाल होरी भी कहते पंजाब का धुआं तंग करता, अज केजरीवाल जी कहते पंजाब के किसानों को बदनाम ना करो, धुआं तो पूरे उत्तरी भारत की समस्या। तो हुण हरियाणे का मुख्यमंत्री खट्टर भी कहिंदा पंजाब का धुआं तंग करता, तो दिल्ली का उपराजपाल चिट्ठी लिख रहा भगवंत मान लई। तो इसलिए हुण सवाल यह आ कि पंजाब का धुआं ही दिल्ली किवें अपड़ जांदा? सो ये सारी अंकड़ियां की खेड इत्थे भी चलती है।